दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला किटन है, इसको फर्स्ट टाइम बात दे रहे हैं। तो चलिए ये देखिए इसका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस, जब इसको पानी में डालते हैं तो ये किस तरीके से कर रहा है। अभी इसका बात टाइम है, तो अभी इसको थोड़ा अच्छे से गीला कर देंगे। और ये वाला शैम्पू है मेरे पास, ये अच्छा सा शैम्पू है, क्योंकि ये क्लियर होने देता हूँ। और इससे जो है अभी ये बच्चे को नहलाने वाले भी हैं। ये देखिए अभी उसको पानी डाल रहे हैं, भर भर पानी। देखिए इतना शुरू कर दिया, अच्छे से रगड़ना पड़ेगा, अच्छे से उसको गीला कर दीजिए। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, उसका फेस जो है वो कभी भी गीला होना नहीं चाहिए। फेस को लास्ट में किस तरीके से क्लीन करते हैं वो दिखाऊंगा। पहले जो है पूरी बॉडी को दोस्तों अच्छे से गीला कर दीजिए, और पूरी बॉडी को किस तरीके से क्या क्या करते हैं सब दिखाऊंगा। ये देखिए इसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, वो डर रहा है, थोड़ा घबराया भी रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले से बच्चे का फर्स्ट टाइम वाला। अभी उसके फिर सर के ऊपर थोड़ा थोड़ा गीला कर देंगे, ताकि गीला रहना बाल भी जरूरी है। सामने उसके मुंह के पास, उसके नोज के पास नहीं लगाएंगे, बस उसके सर को लगा के गीला कर देंगे। तो अभी इसको शैम्पू डालते हैं। तो अभी देखिए वो बकेट सरका लिया हमने, अभी शैम्पू ले लेते हैं। अभी वो शैम्पू अच्छे से उसको लगाएगा। थोड़ा पानी ले लेते हैं। उसको अच्छे से शैम्पू करना है दोस्तों, पूरे उसकी बॉडी को, उसके पैर वैर को, उसका फेस छोड़ के। देखिए ये शांत बहुत अच्छा बच्चा है, इसलिए चुप है, नहीं तो बहुत ज्यादा दूसरे बच्चे आवाज भी करते हैं। ये देखिए आराम से नहा रहा है। ये देखिए ये कितने अच्छे से नहा रहा है, आराम से नहा रहा है। ये इसका पूरा बॉडी लगाना है, इसके फेस को, इसके नोज को, आईज को खास करके नहीं लगाना है। इतना ध्यान रखिए, इसको अच्छे से इस तरीके से लगा के साबुन शैम्पू कर दीजिए। ये देखिए और थोड़ा शैम्पू देता हूँ, आपके क्वांटिटी के हिसाब से शैम्पू और वाटर ले लेके उसके बॉडी को लगाइए। अच्छा एक बार नहलाते हो अच्छे से शैम्पू कीजिए, नहलाना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी क्या है ये सेल हो चुका है, इसको देने वाला हूँ, इसलिए इसको थोड़ा अभी नहला वहला के अच्छे से शैम्पू वगैरह करके इसको थोड़ा सुखाएंगे। इसके बाद में क्या करेंगे वो भी दिखाऊंगा, ड्रायर वगैरह मारते हैं। इसका फर्स्ट टाइम है बात, लेकिन एंजॉय कर रहा है उसकी बात को, क्योंकि अभी गर्मी भी अच्छी है, पड़ चुकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जाके किस तरीके से हुआ है। तो अभी मैं इसके बाद में किस तरीके से ये ड्रायर करने के बाद में दिखाऊंगा। अभी इसको इस तरीके से भा के बाद में इसका फेस वगैरह सब क्लीन करके, मतलब फेस को शैम्पू नहीं लगाना है, डायरेक्ट ऐसा पानी लेके इसका मुंह पोंछना है, मतलब इस तरीके से पानी लेना है, इसका पानी हटकना है, इसका मुंह पोंछना है। उसके बाद में मैं दिखाता हूँ क्या करना है ड्रायर के साथ। ये देखिए इसका फेस इस तरीके से पानी लेना है, इस तरीके से झटकना है, इस तरीके से उसका मुंह क्लीन करना है। मुंह को पानी नहीं डालना है, क्योंकि मुंह को डालते ही वो गुस्सा हो जाते हैं और उनको सांस लेने नहीं आता, उनको प्रॉब्लम भी होती है। इस तरीके से हाथ धो लेना है और मुंह इस तरीके से, उनका फेस इस तरीके से क्लीन करना है। अभी ये नहा रहे हैं इसलिए इस तरीके से लगते हैं। अभी नहा के हो जाने के बाद आपको दिखाता हूँ कितना मस्त और क्यूट लगते हैं बोल के, पूरा ड्रायर गियर मार देने के बाद अच्छे से बांधने। अभी इनके बॉडी पे पूरा पूरा इस तरीके से वाटर अच्छे से डाल दीजिए, बांधे इनको सुखा दीजिए दोस्तों। अभी देखिए इसको इस तरीके से एक कपड़े में, एक कॉटन का क्लोथ ले लीजिए, और इसमें इस तरीके से इसको बच्चे को इस तरीके से लाना है, बड़ी कैट हो तो भी इसी तरीके से, और इसको अच्छे तरीके से पोंछ देना है दोस्तों। सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से पोंछिए, उसके बाद में ड्रायर मारने का भी दिखाऊंगा। पहले क्या है, डायरेक्ट ड्रायर मारेंगे तो बहुत ज़्यादा गीले रहते हैं बाल, तो उनको क्या होता है वो ज़्यादा देर तक बैठते नहीं। तो पहले इस तरीके से अच्छे से उनके बाल वगैरह, ये देखिए इस तरीके से अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये ड्रायर लेके ड्रायर मारना है। अभी पहले अच्छे से पोंछ लेते हैं, उसके बाद में ड्रायर मारता हुआ दिखाऊंगा। अभी देखिए इस तरीके से ड्रायर को ऑन कर लीजिए और इस तरीके से हिलाते रहिए, और उसको उधर से वो भी जो है बाल को हिलाना चाहिए, जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कंटिन्यू मत पकड़िए, उसको गर्म लग जाएगा, थोड़ा इस तरीके से करते रहिए। अभी पूरा ड्राई मारने के बाद कैसे दिखेगा करके आपको दिखाता हूँ। सभी तरह का आपको सुखा लेना है फेस पे, फिर भी ये भी ड्रायर भी फेस पे मत मारिए, उसको तकलीफ होती है, बाद में दिखाता हूँ सुखाने के बाद। ये देखिए ड्राई हो जाने के बाद इस तरीके से कंघे ले लेना है, उनके बाल जुड़े रहते हैं, और इसको इस तरीके से इसके पूरे पूरे बॉडी पे स्लोली आराम से अच्छे तरीके से पूरे बाल खुल जाएंगे। इसके बाद में आपको दिखाता हूँ ये बच्चा पूरा हो जाने के बाद ड्राई व्राई करके कितना अच्छा और क्यूट लगता है। बल्कि ये देखिए इस तरीके से इसको पूरा ड्राई करते रहना है। अभी देखिए दोस्तों कितना मस्त और क्यूट लग रहा है। अभी सब हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको उठा के दिखाता हूँ। ये देखिए अभी कितना क्यूट हो गया, अभी इसके बाल वगैरह सब खुल गए और ये अच्छे से पूरा ड्राई भी हो गए। अभी देखिए कितना मस्त लग रहा है। अभी भी थोड़ा थोड़ा जॉइंट रहते हैं, सब एकदम अभी ऑटोमेटिक पूरा खुल जाएंगे, उसके बाद में एकदम ही प्यारा लगेगा। ये देखिए कितने बाल है, अभी ये 40 डेज का है, इतना मस्त हो चुका है। इसका फर्स्ट टाइम का बात, इसने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर वो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसके अलावा भी कुछ भी सवाल हो तो नीचे बिंदास कमेंट कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।